अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुसूसन उन मैंने ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई किताब में के पढ़े वाले लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मैं। और दूसरी बात कि कोई किसकी सुन के कहानी किसको नहीं सुना रहा हूँ, जो मैंने देखा और दुनिया को जो मैंने प्रैक्टिकल में दिखाया, तो मेरे ऊपर बोलना ये फर्ज है, फर्ज वाजिब तो नहीं, फर्ज हो गया। क्यों फर्ज होगा कि मैंने जो देखा दास्तान जादू टोना क्या है और कैसा चल रहा, तो तुम लोगों को भी उससे आगाह कराना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई इंसानियत जो है, हर इंसान को इस बात से आगाह कराना मेरा काम है। बाकी मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है। जिस पर बीतती उसको पता चलता और जिस पर नहीं बीतती वो तो बैठ के मजे लेता। जख्म जिसको होता दर्द भी उसको होता, बाजू वाले को दर्द नहीं होता। तो एक बात ये बताना चाहूंगा मैं कि जो बच्चों की शादियां हो रही, नहीं जो जोड़ों की शादियां हो रही, तो नौजवान बच्चों के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसकी भी बच्ची बच्ची की शादी हुई नहीं भी, तो उनको क्या कर रहे, शादियों की दावतें दे रहे उनके रिश्तेदार, ऐसा निकल रहा है, निकल रहा जो बता रहा हूँ, और दावतें देकर घर पे बुलाते और बुलाकर, सब तो रिश्तेदार अच्छे नहीं रहते, कोई ना कोई अंदर से बदमाश रहता, उन्हें क्या कर रहा, बदमाशी करके कुछ दवाएं ला के जादू टोने की चीजें खिला के दोनों में फूट डाल दे रहे, नफरत ऐसी भी नफरत डाल रहे कि उनका तलाक हो जा रहे, बच्चों के संसार नहीं हो सक रहे, मियां भी लड़ रहे, और ये बात खुद बोल रहे भी लोग आकर। वो तो मैं तो कोई ऐसा कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, जो मैंने देखा और दिखाया दुनिया को उस तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। बाकी तो सब तुमको कहानियां सुनाने वाले मिलेंगे, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाया किसी को, मैं सिर्फ तजुर्बा दिखाया हूँ दुनिया को। मैंने दुनिया को जो तजुर्बा दिखाया उस हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत सारे दास्तान देखे हुए कि लोग घरों पर कुछ सालनों में रोटियों में चावल में हद हो गई कि फल फ्रूट में तक मिला के दे रहे। अभी इससे पहले क्या अंग का शैतान का वीडियो में देखो, कहीं में खिलाया तो वो बोलता कि कुछ आम के अंदर मिला करे, दवाएं क्या करते हैं अंदर जाके बहुत सारी बीमारियां लगाते, परेशान कर देते इंसान को, इंसान की अकल जहां से सोचना बंद कर देती है वहां से ये दुनिया स्टार्ट होती जादू टोने की। तो इसलिए बेहतर है कि दुआ प्यार में बार बार कहूंगा इबादत करो, और मैं एक तरीका बताऊंगा कि क्या करना। अब तो दावत तो रिश्तेदार देंगे ही नहीं, शादी जो होती खासकर नए दुल्हन दूल्हा जो रहते उन पे जादू टोना ज्यादा चलाने की कोशिश करते लोग, उनका संसार टूट जाना, जल के चिड़के हसद जलन बहुत ज्यादा है, नफ्सी बहुत ज्यादा कर रहा है इस दौर में भी इंसान, और नफ्स उस पर काबू आ गई, उस पर काबू पा ले रही नफ्स, गलत दास्तान है ज्यादा, नफ्सी के चक्कर में इंसान क्या कर रहा, दूसरों के घर जला दे रहा, बहुत बुरी दास्तान चल रही। दूसरा तो बेहतर है किसी के भी घर को तुम खाना खाने को गए, कोई भी जा रहा, आम भी जा रहा है, दुल्हन दूल्हा भी जा रहे, किसी के घर को दावत कबूल करने, नई शादियां होते बच्चा बच्चियों के जाते, तो कभी ऐसा डायरेक्ट बिंदास जाके नहीं खाना, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ के निकलना, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और उसके बाद जैसा घर से निकल गए तो फिर क्या करना, वहां जब दावत में पहुंच गए तो दावत में पहुंचने के बाद पहुंचते रास्ते में या फिर पहुंचने के बाद ऐसा स्पीड के अंदर हर चीज याद रखो ना, 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ना और 7 बार चारों कुल पढ़ना, और चारों कुल पढ़ के दम करना खाने को, तो पढ़ लिए नहीं दिखे जैसा लोगों को दम कर देना उस खाने पे, और दुआ पढ़ के फिर खाना चालू करना, तुमने अपने आप को अल्लाह के हवाले सुपुर्द कर दिए। अगर उसमें कुछ चीज उन्होंने मिला दिया तो उसमें खाने पे दम कर दिए चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर दम, ये मैं सब बात इस वास्ते बता रहा हूँ कि मेरे को बताना तुम्हारे पे फर्ज हो गया दास्तान, जहां वाजिब तो नहीं बोलेंगे, जरूरी तो नहीं, फर्ज की, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल में हर चीज देखा, और ये तजुर्बा तुमको अगर बताना बहुत जरूरी है, नहीं बताऊंगा तो फिर मेरे को भी पूछूं क्यों नहीं बताए, इसलिए मेरे को कोई शौक नहीं आ रहा तुम्हारे लोगों को बताने को, करने को करो, जो करेगा उन्हें बचेगा, जो नहीं मांगेगा, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, इतनी बात याद रखो। इस वास्ते पहले ही क्या बोलते, तो हर बातों का अमल करना, पहले ही सेफ्टी रखना तो तुम महफूज रहेगे, मामूली बात से जिंदगी खराब हो जाती। देख रहे ना क्या बताया मैंने, भाई तो कुछ बोलूंगा ये अल्फाज ज्यादा, कुछ लेक्चर दूंगा नहीं, सब देख लो, मैं सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ। हाँ, जब जाएंगे किसके भी दावतों में तो आयतल कुर्सी सब पढ़ ली, पढ़ के फूक दिए, फिर खाओ, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, और अल्लाह के हवाले करके तुम फूक के खाएंगे फिर कोई जादू टोना तो असर नहीं करेगा, उन्हें जादू टोना चला देंगे, तो चलने के बाद तुम जैसा 4 कदम जाएंगे, 4 कदम जाते तुम उल्टे आंखों की दवा निकल के चल जाएंगे, क्योंकि तुमने अल्लाह के अमान में दे दिया अपने आप को, और जब तुम अल्लाह के अमान में देंगे तो अल्लाह के जैसी अमान सातों आसमान और सातों जमीन में कोई नहीं कर सकता। तुम इस वजह से अंदाजा लगा लो कि सब दुनिया और हर चीज उसकी है, और सांसों पे हुकूमत, जानदार पे भी हुकूमत अल्लाह करता और बेजान पे भी हुकूमत अल्लाह करता, सब अल्लाह के हुकुम के गुलाम है। इसलिए मेरी बात को
सही तरीके से अमल में लो तो तुम्हारी जिंदगी बची है। और एक सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा कि छोटे मोटे इलाज वालों के चक्कर में जाना नहीं, जादूगरों के चक्कर में लगना नहीं, सख्त मना करे अल्लाह हदीस के अंदर। हदीसों पे चलो, कुरान पे चलो, रिवायतों पे चलो, तुम्हारे बाप दादाओं की रिवायतों पे चलो, पढ़ो खोलो देखो उस हिसाब से अमल करो, क्या लिखा है, क्या रिवायत है, क्या हदीसें हैं, क्या तफसीरें हैं, कैसा उस हिसाब। हाँ, मैं दरगाहों पे जाने को तो ऐसा नहीं बोलूंगा, दरगाह पे तो रहमत बरसेंगी अल्लाह की, क्योंकि बुजुर्ग आने दीन है, उन्होंने बहुत ज्यादा इबादत करे, अल्लाह के लोग ने अपने आप को मिट गए और मिटा दिए, तो वहां तो रहमत बरसती है, और बहुत बड़ा मामला है। जब ये रूहें, ये बदरूहें मरे वालों की नस्ली हराम जादों की रूहें आके लोगों को परेशान कर सकती है, मिन हा खलक नकुम फी हा नोई दुकुम व मिन हा नुखरिजकुम तरतन नुखरा, बल्कि खबर में जो मट्टी डालते, तो मट्टी जो खबर में डालने के बाद सातों हमजाद दब जाते, ऊपर सातवां एक हमजाद लास्ट वा डाला रहता ऊपर, शैतानी वसवसे वाला, वो बहुत लंबी थेरे हैं, बाद में बताऊंगा दास्तान, पढ़ो तफसीरों में तुम पता चलेगा, उसको जादूगर पकड़ के आंगन छोड़ता। जब वैसे शैतान आके तुम्हारे परेशान कर सकते, तो बुजुर्ग आने दिन की रूहें तुम्हारे को कैसा नहीं अच्छा कर सकती अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह को जमीन पे आके तुमको थोड़ी अच्छा करेगा, उसके शान के खिलाफ है, उसके खाली पर्दे हटके खाली जमीन पे क्या, उसका तो खाली नूर देखने से पहले जमीन जल के राख हो जाएंगी, उसे नूर को बर्दाश्त करने की ताकत थोड़ी जमीन, तो अल्लाह थोड़ी जमीन देगा। अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों से काम लेता, चुनिंदा बंदों को लगाता वो काम कर, उनके जरिए फायदा पहुंचाता, और शैतान जो लोगों को चुनता उनके जरिए लोगों को उन तकलीफों में डालता, और तकलीफों में लोग जाते तो उनको फैज काला जादू काले जादू से नहीं कटता, एक बार भी नहीं कटता, इम्पॉसिबल, उसको खाली अल्लाह का कलाम काटता, इबादत इबादत से कटता, वो इबादत से खत्म होता। ये सब बातों पर अमल करना, ठीक है, चलो इंशाल्लाह और कुछ ज्यादा बताऊंगा। पूरी ताकत लगा आप तेरी कितनी है, तो जकड़ लो उसको, तेजी जकड़ो और जोर से, जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो उसको, जकड़ लो उसको तेज जकड़ो, उसके पेट में से आग लगाओ, चल लगा पूरी ताकत, जकड़ लो उसको और तेजी से, और उसके पेट में से आग लगाओ, कहां से आया था, क्या दास्तान है, कौन सुखा रहा था इसको, कौन लगा रहा है बीमारियां, तुझ बीमारियां लगा के अंदर से बैठा था, कब मारने वाला है, जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ तेज से, जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ, हाँ जलाओ 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 उसको तेज जलाओ, कब मारने वाला था उसको, अम्मास में पुन्नम में कब, हाँ
में दुखता है, सांस में दुखता है, पेट में कमर। तू दुखा रहा था, तू दुखा रहा था, कौन है तू? औरत है, आदमी है, जिन्नात है, शैतान है? मैं नहीं बताती तुझे। नहीं बताई तो फिर तेरे को जला के राख कर देते हम। चलो लगाओ और तेज से। हाँ हाँ बोल। अब उसके पहले दुखता है, ऐसा नहीं दुखता है। कहाँ से वार करे थे उसके ऊपर? शमशान से, कब्रस्तान से? नहीं मालूम। बोलना तो पड़ेगा, पूरा जला के राख कर दूंगा मैं। अम्मा से दो दिन पहले तकलीफ देती है। हाँ? रेशमा, रेशमा को कौन सता रहा है? बहुत तकलीफ है। कितने साल से सता रही तू उसको रेशमा को? कितने साल से सता रही तू उसको रेशमा को? पहले से रिश्ता है जब से। रेशमा को सता रही तू रिश्ता जब से? क्या दास्तान है, क्या मसला चल रहा बता मुझे, पुराने तो मैं काट दूंगा। जलाओ उसके पेट में से भी आग लगाओ, जलाओ उसको, छोड़ो मत, उसके अंदर से आग लगा दो। इतर लगा दम करा के, लेकिन नाक में पीट पे हो। दम कराओ पहले। पेट पे से लकड़ी की हाँ जकड़ लो, उसके पेट में से आग लगाओ, जलाओ बंदर से, जकड़ के उसके पेट में से आग लगाओ। बुलाओ जंजीरों वालों को, उसको खूब मारो जंजीरों से, उसको मार मार के उसके टुकड़े करेंगे, उसको कैद करा के लेंगे, शीशी में उतार के जमीन में गाड़ेंगे। उतारू शीशी में? हाँ कब मारने वाली थी उसको तू? बच्ची ने क्या बिगाड़ी तेरा ऐसा, जो उसको सुखा सुखा के तूने इतना सुखा दी? क्या बीमारियां लग गई थी उसको नेने? और उल्टिया होते हैं, और कमर दुखती, हाथ पैर दुखते हैं। 4-5 लाख रुपए लगेगा। हाजिर हो नहीं पहले कभी कहीं? नहीं। तुम लोग क्या समझ रहे थे बीमारी बीमारी? इससे पहले कहीं हाजिर हुई? दुआ पानी बताए थे? खाने में वो सब खिड़की भागने की कोशिश कर रहे थे, खिड़कियों में कूद के भागने आए। और ये उसको कौन भगा रहा था खिड़की में से? तुझ भगा रही थी? हाँ बोल जा, जिन्हें ऊपर काट के भस्म करूंगा, तेजी जलाओ उसको। बीमारी बीमारी समझ रहे दोनों, दवा खाने में लिख गए थे, दवा खाने करे सब करे, मगर जहाँ दवा खाने की सारी दवा गोली कार नहीं कर रही, समझ में नहीं आ रहा था उनको। उम्र पेशेंट खिड़की में कूद के भाग जा रहा था, क्या हो रहा था एक्सपायर्ड बाद नहीं आने के बाद क्या हाजिर हुआ? देखो इससे पहले दुआ पानी को बताएंगे कहीं? हाँ, वहाँ कहीं हाजिर हुआ? ऐसी बात है, कहीं हाजिर नहीं होता वो, जहाँ अल्लाह ने चुने अलीदास थी वहाँ चलता था। खुदा के कुदरत के मसले सबके मनमानियाँ नहीं चलते दुनिया में, पर बहुत सारे राज है। वो तो जादू टोने की शक्ल बीमारी पर डाल के छुपा दी थी, कैसा सामने आई सारी दास्तान, उसको मारने वहां क्या झुरा झुरा के करने आते, वो क्या है तो सब देख लो सब दास्तान। हाँ बोल। चलाओ उसके दोनों हाथों में तेजी से आग लगाओ,
चलाओ उसके दोनों हाथों में तेजी से आग लगा दो, चलाओ और तेजी से, छोड़ दे बाबा, नहीं जलाओ उसको तेजी से, बाबा छोड़ दे, जोर से मुझे सुने नहीं आ रहा, तुम उसको जुलुम दे रही थी बहुत, हाँ जोर से बोल, हाँ क्या क्या तकलीफ दे रही थी, पैर दुखना और कमर कमन का दुखना, हाँ और उल्टी होना, हाँ और उसके हाथों पांव दुखना, हाँ और उसको दवा खाने में ले जाना, हाँ उसकी तकलीफ परेशान पर सब घर के परेशान होना, हाँ उसको और तेजी से, कितने साल से परेशान कर रही थी तू बच्ची को, 2 साल रसम से पहले से, हाँ रसम के पहले में दवा खाने में लेके गए थे उसको, हाँ तो हाँ क्या दास्तान चल रही थी, कहाँ से जादू चला ये, शमशान से कब्रस्तान से, हाँ कहाँ से जादू चलाइए, शमशान से कब्रस्तान से, जकड़ लो उसको और तेजी से, अब जलाओ उसके हाथों में आग लगाते रहो तेजी से, इतर लगाओ उसको दम करा के, कब मारने आई थी उसको तो, अम्मास में पुन्नम में, जोर से बोल, अम्मास में कैसा मारने आली थी, बीमारी डाल के एक्सीडेंट करा के सुसाइड करा के आत्महत्या करा के, क्या करने आली थी, मरेंगे जैसा मरेंगे, जिन मौका देख के जैसा चाहे वो मार देने वाले थे, अच्छा जकड़ो उसको, उसको तकलीफ बहुत थी, अच्छा उसके बाद वो रेशमा के बाद और किसको मारने आले थे, किसको भी नहीं, उसके मर्द को, घर में के लोगों को, बाप को, माँ को, बहन भाइयों को, हाँ क्या दुश्मनी थी तेरी उसकी रेशमा की, तेरी क्या दुश्मनी थी, जकड़ के रखो उसको, भागने मत दो, उसके पेट में से आंख लगाते रहो तेजी से, हाँ चल क्या दुश्मनी थी बता जल्दी मुझे, नहीं तो अभी काट दूंगा पूरा, जकड़ो उसको और तेज से, कितने साल से तबीयत खराब है इसकी, 2 साल कब हुआ इसका कसम, शादी हो गई, शादी कितने बच्चे उसके, अभी शादी हुई, लॉकडाउन में, कहाँ उसका दूल्हा, जकड़ो उसको और तेज से, क्या दुश्मनी थी, फिर क्यों करी तूने जादू उस पे, जादू चलाते टाइम पे क्या लिख गई थी रेशमा का, क्या लेकर गई थी, उसके घर के निकोले कपड़े गले हैं, कपड़े गले हैं, कौन तूने ले गई थी कपड़े उसके चुरा के, मैंने लेके गए उसके कपड़े, ऐसा बोले, तूने क्या लिखी थी जादू चलाते टाइम पे, कपड़े बाल चप्पल मट्टी, उसके बाल की गुड़ी बनाई, गुड़ी बना के क्या करी, शमशान में गाड़ी, कब्रस्तान में गाड़ी, लगाऊं तेजी से और आग जलाओ उसके अंदर, और तेजी से आग लगाओ, बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ होना तेरे, अब काट के भस्म कराता हूँ, बहुत तू उसको जुलुम दे रही थी, किस किस को मारने आई थी उसके घर से बोल, इसको भी मारने आई थी, कली
कब कितना टाइम बचा था? साईं बोल, साईं बोल, लगा पूरी ताकत, हाँ लगा पूरी ताकत, जोर से लगा पूरी ताकत, सिगोलनी भाग का तेरा रात चल रहा होता मारने के लोगों को, हाँ हाँ लगा पूरी ताकत, पूरी लगा, जलाओ उसके हाथों में आग लगाओ तेज से, हाँ जलाओ उसके हाथों में तेज से आग लगाओ, हाँ चल बोल कब मारने आती उसको, अम्मा उसको पुन्नम को, जा नहीं सकती मैं तुझे, जाने का हुक्म नहीं दिया, और नहीं तो दोनों हाथा काट लूंगा वो, हाँ चलो क्या पूछा मैं जवाब, जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, और जल्दी पूरा काट के बसम कर दूंगा, नहीं तो फिर करी क्या तूने, हाँ तू जादूगर, तू जादू, तुम पैसे लेके करी क्या, तू जादूगर नहीं है या फिर किसके पास से जादू चलाई, तुझे पकड़ के लाके डाल दिए इसके आंग में, जकड़ो उसको, मारो उसको और तेजी से जकड़ के, तोड़ो उसके हाथ तेजी से, तोड़ दो उसके हाथ, जकड़ लो उसके हाथों को और तेजी से, जकड़ो उसके हाथ तेजी से, हाँ जकड़ो 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 तेजी, जकड़ो तोड़ देंगे उसके हाथ, हाँ बोल तोड़ दो दोनों हाथ, हाँ दे दे मेरे को दोनों हाथ, दे दे तोड़ देता हूँ तेरे, तोड़ लो उसके हाथ, जकड़ लो बोल, फिर मेरे सवाल के जवाब दे, कब मारने आई थी उसको अम्मास में पुन्नम में, हाँ अब डर के अब घबरा के कुछ फायदा नहीं, अब शैतानों नालायक हो मार रहे, तो अब सही सही बोलो हो कौन से डेट को मार रहे उसको, तो हाँ बोल जल्दी, इधर दम करा के लगा उसकी नाक में, पीठ पे लगा, चेतक हाँ चल बोल जल्दी, कब मारने जल्दी बोल जल्दी, अम्मास को तुम्हारने जल्दी, पुन्नम को, अम्मास को, अम्मास को, अम्मास से तकलीफ बड़े उसके, अच्छा अम्मास को बढ़ाती थी, और क्या क्या तकलीफ देती थी तू इसको, सिर्फ इतनी दूसरी कौन सी भी नहीं, क्या तकलीफ देती थी इतनी बोले तो, पैर दुखना, कमर का मन का दुखना, उल्टी होना, तू कर रही थी सब अंदर बैठ के, अच्छा तेरे को कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रस्तान से, तेरे को ला के छोड़ दिया, अटका दिए, सही बोल, छल मत कर, छोड़ दे नहीं तेरे को पूरा मार के भस्म कर दूंगा, झगड़ो उसको तेजी से नाला को, जकड़ो जरा उसको तेज से, कोई छल नहीं चलने वाला तेरा यहाँ, सही सही बता, कहाँ से तू, उसके ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, कहाँ से आई थी, हाँ कहाँ से बोल, कहाँ से आई थी तू, उसके ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, बोल, तो जितना टट करेंगी तेको उतना मार मार के मैं भस्म कर दूंगा, एक बार भी नहीं छोड़ता हूँ, अब जंजीरा डाल के बंध देते, लाओ जंजीरा और बन के डालो उसको, तेजी से भागने मत दो उसको, लाओ जंजीरा और बन के डाल दो उसको तेजी के साथ में, भागने तो नहीं देते, गुलाओ जंजीरे और तेजी से बंधो उसको, उसको पूरा जला जला के राख कराओ उसको, तेजी के साथ में उतार के साथ में, तुम्हारा खुदा
काट देंगे अब तेरे हाथ आपकी टांग सब अब तेरे टुकड़े करके तुझे भस्म करेंगे। वो तो उसको ले जाके बौड़ी में गिराने वाली थी, नदी में गिराने वाली थी, खिड़की में से कुदा के ले जा रही थी। तो कहाँ ले जा रही थी उसको खिड़की में से कुदा कर? कहाँ ले जा रही थी? झपड़ो उसके अंदर से आग लगा दो तेज से। अब तो देखो छोड़ते नहीं, देखो पूरा मार मार के भस्म कर देते। कौन डाला था उसके आंग में? तू आई थी कहां से? कौन लोग थे वो? कितने लोग हैं? मैं सब याद करके आके सुनाना तुम दूसरे चक्कर तक ना लाया। उन सबके घरों पे जा जिस जिसने देखो भेजे। कौन जादूगर था? हिंदू था, मुसलमान था? कहां से लाए थे? कब्रस्तान से, शमशान से? कब लाए थे? कितना टाइम हो रहा था? कितने पैसे दिए थे उसको? कौन कौन मिले आले थे? सब याद करके आके मुझे सुनाना। तो तेरे को छोड़ेंगे तो तेरे को मार मार के पूरा भस्म कर देंगे। अब डाल दो उस पर जंजीरा और उसको बन के डालो, उसको नालायक और मार मार के उसको चिंदिया करो। ओए रेशमा अभी, ओए रेशमा, हाँ पानी पियो। क्या है देखे? कब से करा ला है? देखो मैं क्या बोला, मैं तो बोलता नहीं, मैं कहीं बोल दूसरे इलाजा वालों को देखा। चलो अब इसके मारे से पूछेंगे। वहाँ क्या हुआ मियाँ, क्या करे आप पहले? तुम्हारे लोगों को कुछ मालूम था क्या हो रहा था पहले? क्या हो रहा है ये मालूम नहीं था, लेकिन बीमार बोल के बोल रहे थे रसम के पहले। तो रसम के पहले दवाखाने में एडमिट थे, बाद में से क्या रसम होने के बाद में से भी थोड़ा हमको लगा तकलीफ कम होगी, तो तकलीफ कुछ कम हो रही है। दवाखाने गए थे, दवाखाना दिखाई सब करे और बड़े बड़े से दवाखाने एमआरआई करे, बोले नॉर्मल रिपोर्ट थी। फिर उसके बाद में बाद में से फिर बोले शादी होने के बाद में से हो जाएगा सब। दुआ पानी को भी लेके गए थे। क्या हुआ? दुआ पानी को ले गए, उन्होंने बोले 40 दिन तक छोड़ के संभालो, बोले इधर उधर ले जाओ। तो हाजिर हुआ क्या कहीं आंग पे आके? सवाल जवाब हुए क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने जगह ले गए थे दुआ पानी को? बहुत जगह ले गए थे, सात पाँच जगह गए। मुसलमानों का नहीं सब गैरों के पास में जाना सख्त मना है हदीस में। देखो कहाँ गया था तू? जादूगरों के पास भी गया? बेचैन थे जी, पूरा परेशान थे, इसके वास्ते कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो कितनी भी बेचैनी रही, कुछ भी रही, क्या भी रही, तुम लोग एक जहन में बात बिठा लो, ब्लैक मैजिक से नहीं कटता, इम्पॉसिबल। लोग बोलते लोहा लोहे से कटता, भाई लोहा लोहे से कटेगा मगर ब्लैक मैजिक से नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? इसलिए नहीं कटता कि जख्म देने वाली जात शैतान है और उसमें मरहम लगाने वाली जात वो अल्लाह की है, फैज देने वाली जात अल्लाह की है। जहाँ फैज अजमत और रहमत बरसेंगी वहाँ जख्म भरेगा। और अजमत और रहमत कहाँ बरसती? जो कि क्या बोलेंगे? अल्लाह के कलाम के जरिए से। अब शैतान जो है तो शैतान क्या करता? नहुसती दे सकता, तकलीफ दे सकता। तकलीफ से राहत देने वाली जात शैतान नहीं है। तुम्हारे बार बार तकलीफ में लिजाक डालने वाली जात शैतान है। तकलीफ से राहत और फैज देने वाली जात अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही है। इस वास्ते कभी गैरुल्लाह के पास नहीं जाना और कोई भी गैरुल्लाह के पास जाकर हाथ नहीं फैलाना। तुम अगर जादूगर के पास जाएंगे फिर तो तुम हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए। और मैं उसकी शिफायत नहीं करूंगा आखिर के दिन। तुम पर ऐसे तुम परेशानियां देख रहे, घबराए जा रहे, जो भी दास्तान है, हाँ तुमको जाना है तो काफिर करे जाने से बेहतर तुम दरगाह पे जा सकते हो। मैं दरगाह पे जाने से मना नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी बात है दरगाह वाले बुजुर्गाने दीन की। जब से गंदे रूह और गंदे रूहें आकर लोगों को परेशान कर सकती जादू टोने के थिरो,
तो जब वो तो अल्लाह वालों की रूह है, वो तो कितनी पाप होंगी, तो क्या वो कलाम इलाही के जरिए लोगों को फैज नहीं पहुंचा सकती क्या फिर वो रूह है? तो इस बात समझो और समझ करिए, वहां जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के दिन उसकी शिफात नहीं करूंगा, वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, हमें से नहीं, ना जादूगर हमें से नहीं और जादूगर के पास जाने वाला भी नहीं। तो जादूगर के पास जाएंगे तो 40 दिन की तुम्हारी जादू की इबादत रद्द, और आने वाले 40 दिन तक भी तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करते, रद्द कर देते। तो क्या कर रहे तुम, अपनी क्या बोलते, तो दुनिया खरीद के आखिरत गंवा दे रहे। इस वास्ते समझो, और जाकर भी कुछ फायदा नहीं होता, फैज नहीं मिलता। वहां पूछो अब उसको, उन्हें जादूगर के पास गया तो किसके ने हाजिर हुआ, क्या ये जादूगर के पास? जोर से बोल, दुनिया देख लो तुझे नहीं हुआ, ये क्या फायदा हुआ जाके जादूगर के पास? ईमान भी खराब, पैसा भी खराब, सब खराब। इस वास्ते बेहतर है इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, हर चीज का हल इबादत, और दुआ मोमिन के वास्ते हथियार है। दुआ पढ़ के निकलना, दुआ पढ़ के अमल करना, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दास्तान मैंने हर वीडियो में बोला। इस वास्ते पढ़ो, हदीस घर में पढ़ने का मामूल बनाओ, कुरान पढ़ो, एक पारा नहीं पढ़ सकते तो एक रुकू पढ़ो, कम से कम जितना आ सकता उतना पढ़ो। अब बहुत सारे बोलते हैं हमारा कुरान नहीं आती, तुम्हारे इंग्लिश आती, उर्दू आती, मराठी आती, अरबी आती, फिर कुरान क्यों नहीं सीख रहे तुम? और कौन कौन से जबान आते सब आते, फिर कुरान भी तो सीखो ना, आखिरत का सौदा है ना। और दूसरी बात, जितने भी तुमको सूरह कलमे आए थे जो भी आते वो पढ़ते जाओ, तस्बीह लेके हाथ में, तुम पढ़ेंगे तो तुम्हारी सेफ्टी है, तुम्हारी तुम सेफ रहेंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली सेफ रहेंगी, सब लोग सेफ रहेंगे। बाकी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, और मेरे को कुछ बोलने का तुम्हारे लोगों को शौक नहीं आ रहा, जो तुमको जो मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल में, वो तुमको बताना मेरे ऊपर वाजिब बोलो या फर्ज बोलो है, इसलिए मैं तुमको बता रहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म सीखे और सीख कर बढ़ाओ उसको। अगर तुमने इल्म सीखे और अपने पास छुपा के रख दिए तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसको बांटो, बांटने से बढ़ता है, सब कुछ सिखाओ समझा, इसलिए तुम्हारे बताना मेरे ऊपर फर्ज, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है सब बातें ऐसे बोलने की करने की। दरगाह पे जाना शिर्क नहीं है, जादूगर के पास जाना शिर्क में शुमार होता, क्योंकि तुम अल्लाह के कलाम से अकीदा हटा के, अल्लाह से अकीदा हटा के उस पे लगा रहे शैतान के पुजारी के पास में। तुमको इतना समझना कि शैतान की औकात क्या है कलाम इलाही के सामने, कहां से उन्हें फैज दे सकता, फैज चाह के भी शैतान नहीं दे सकता, फैज देने वाली जात अल्लाह की है। अब आया ना समझ में? इस बात जादू जादू से कभी नहीं कटता, जादू जादू पे जादू, जादू पे जादू, चढ़ते चढ़ते माले पे माला, माले पे माला बन जाएगा जादूगर पास जाएंगे तुम तो, मगर कटिंग नहीं कटता, सिर्फ कलाम ही लाई से। समझ गए? कहीं नहीं सुनने से ज्यादा अल्लाह तुम्हारे सब अमल करने की तौफीक दे, बस इतना कहूँ। चलो पानी पिलाऊंगा। कहाँ से आए थे? जो पुला पुनर, कहाँ है वो? जो पुनर रोड पे जी, पुनर है सोलापुर रोड, तालुका दम। क्या नाम है इसका? हाँ, नमाज कुरान पढ़ने नहीं आती क्या? पढ़ रही नहीं नमाज कुरान बच्ची हो? नमाज पढ़ने को बोले तो हाँ बोलते, लेकिन पढ़ते नहीं। पढ़ाओ घर में, 5 टाइम की नमाज पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, तुमने पढ़ना, सब लोगों ने पढ़ना, ठीक है? कहाँ से आते? चौकुल्ला। कहाँ पे है चौकुल्ला? दौंड तालुका में, पुणे जिला। ठीक है चलो, खबर देख लिया, आया समझ में क्या है तो। और ये घर को ले जाना, सुबह शाम दो टाइम मुंह पे पानी मारते रहना, जांच भी दर्द आओ मारते रहना, पकड़ो और उसको भी दम करा के लो। चलो रोक दो। देखो नाम मैंने अभी इस वास्ते नहीं पूछा है, इस चक्कर में नाम अगले चक्कर में बताएंगे, कौन डाला था, क्या है, तुम इन्हों बोल रहे अभी नाम पूछा, अभी नहीं पूछा है, मैं अगली चक्कर में बताऊंगा कौन, अभी नहीं बोलता मैं। और कभी मैंने मेरे मुंह से तो नहीं बोला नाम कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा, सामने आला आता हूँ बोल के जाता, मेरा क्या उसने। और लोग क्या कर रहे बिला वजह, क्या बोलते, तो जिसके नाम निकल रहे उन्होंने मेरे दुश्मन बन रहे। अभी तुम इतना समझो, अक्ल से पैदल लोगो, तुम्हारे अक्ल आए के बेच के खा गए, तुम जादू टोने कर रहे, क्या क्या दास्तान चल रही, तुम बन मुट्ठी में कर रहे, बिल्ली दूध पी रही आंखें मुझ के, तो तुम ऐसा समझ रहे कोई देख रहा नहीं, सब तो देखने वाले तुम्हारे को, कभी ना कभी तो नाम खुलने वाला है तुम्हारा, जो जादू आटो ने कर रहे तुम तो। अब जो भी आके बोलेगा तो उसमें मेरा क्या है, मेरे को सिर्फ दो लोग बुरा बोलते, एक जिसके आंग में शय रहती वो शय बुरा बोलती, क्योंकि यहाँ ही तो शय कट जाती, बोल के उन्हें आने नहीं देती, कई गुजारे बोल के बुरा बोल के नहीं आने देती। और दूसरा वो बुरा बोलता जिसका नाम निकलता, जिसकी माँ जादू कर रही, बहना जादू कर रही, उन्हें जादू कर रहा, उसकी औरतें जादू कर रही, उसकी बेटियां जादू कर रहे लोगों पे, तो वो लोग मेरे को बुरा बोलते। बाकी तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मेरा दिन भी यहाँ से निकलता हूँ, मेरी रात भी यहाँ से होती, 24 घंटे में यहाँ से बैठ गई हूँ, फिर मेरी किससे क्या दुश्मनी।
और मैं यहाँ 24 घंटे सिर्फ कुरान पढ़ते बैठे रहा हूँ, कुरान कुरान कुरान। उतना रिकॉर्डिंग में नहीं लेते कुरान, क्योंकि रुकाने में कैमरा थोड़ी बहुत लेके सुनाते, ज्यादा जितनी चलती पढ़ना उतना तो नहीं बताते 24 घंटे। फिर मेरी किससे क्या दुश्मनी, मेरे सिर्फ ये दो लोग बुरा बोलते, एक तो जिस गैंग में शेर रहती उसे यहाँ आने से कट जाती बोलकर, और दूसरा अभी इनके जो नामा निकलते जो भी लोग रहते रिश्तेदार वो बिला वजह मेरे को बुरा बोलते हैं। हालांकि मेरी उनकी क्या दुश्मन, मेरे को बुरा बोलने से पहले दो बातें याद रखना बहुत जरूरी है कि तुम अगर गलती से भी बुरा बोल रहे तो तुम ये समझ के बोल रहे होंगे कि हम बुरा बोल दिए निकल जाएंगे, इनको थोड़ी मालूम होगा। मैं किसी के हक में दुआ बद्दुआ नहीं करता, मैं दुआ करूंगा बद्दुआ नहीं करता, मगर मेरे पास जो ताकत है जो काम कर रही, जो अल्लाह ने दी वाली दास्तानें हैं, जो तुम लोग देख रहे प्रैक्टिकल में, जो मारते हैं पुलिस से लड़ा लड़ा के मारते, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते बातों को। तुम अगर मेरे को बुरा बोलेंगे, तुम इंडिया गवर्नमेंट में रहकर तुम इंडिया गवर्नमेंट को बुरा नहीं बोल सकते, सऊदी गवर्नमेंट में रहकर सऊदी गवर्नमेंट को बुरा नहीं बोल सकते, जहां के भी राजा के अंडर में, क्योंकि वो जो राजा की फौज रहती है वो तुमको छोड़ती नहीं, फिर कैसा बुरा बोल रहे बोलते देशद्रोह बोलते। तो वजह मेरे पास जो काम कर रहे वो तुम्हारी तकदीरें बर्बाद कर देते, कुछ नहीं होता, बादब बानसीब बेअदब बदनसीब कर देते। तुम अगर बुरा बोलेंगे दुनिया के कौन से भी कोने में बैठ के तुम बुरा बोलेंगे, तुम बरोबर सुनते बरोबर वहां पहुंचते, और सबसे पहले तुम्हारे घर में तवंगरी लगा देते, तवंगरी। आने वाला पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आता, बोलो मेरे को मस्त बुरा बोलो, देखो तुम्हारे बच्चे बिला वजह क्या बोलते तो तरस जाएंगे, पढ़ाई को पैसे नहीं घर में, खाने को पैसे नहीं, तुम्हारा पूरा खर्च में ले जाकर डुबा के खत्म कर देते हैं। वो मेरे फौज की खास बात है, वो सबसे पहले तबाह बर्बाद कर देती है इंसान को। और मैं भी कुछ नहीं बोल सकता ना, मैं स्वास्थ्य नहीं बोल सकता कि मैं क्या बोलूं, तुम बुरा बोले बोल के उनको फिर मारते तुम्हारे पे वार, उनको मौका मिल जाता ना तुम्हारे ऊपर चपेट में तुम्हारे लेने का। इसलिए सोच समझ कर बोलना कि सू क्या बोल रहे। तुम बड़े बड़े बुजुर्गान दीन को, दरगाह वाले हजरत को, गौस पाक को, या ख्वाजा गरीब नवाज को, इनको भी अगर बहुत सारे जमात वाले वाले मार्केट में बुरा बोल रहे, मगर तुम ये समझो इनको बुरा बोलने से इनके बाल भी बाकी नहीं होते। इनको जो रुतबे अल्लाह ने दिया बहुत बड़े रुतबे दिया है, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, मगर इनको बुरा बोलने की वजह से तुम्हारी जो तकदीर है वो जल जाती, राख हो जाती, जल सब भीख लग जाती, तवंगरी लग जाती, आजमा के देख लो, तुम रोड़ों पे जाएंगे तुम्हारे काम नहीं बनते, सब तबाह बर्बाद होकर रोड पे आ जाते, बड़े बड़े आफत नाजिल होते हैं। ये देखो तुमको खुद पता चलता, उस बात कभी नहीं बोलना इस वास्ते, तो बोले अल्लाह ने इस्लाम में जबान पे लगाम रखो, बहुत सोच समझ के बोलना है, कुछ भी बात बोलना है तो किसके बारे में। बहुत सारे जमात वाले वाले बुजुर्ग आने दिनों को बुरा बोल रहे, वली अल्लाह को बुरा बोल रहे, कुछ बाल भी बाका नहीं होता होगा तुम्हारी बुराई करने से, क्योंकि तुम्हारी औकात ही क्या है। अल्लाह ने जिसको उठाना चाहा उसको पूरी दुनिया मिलकर नहीं गिरा सकती, और अल्लाह जिसको गिराना चाहा उसको पूरी दुनिया मिलकर नहीं उठा सकती। इसलिए तुम बुरा बोल के अपनी तकदीर जला ले रहे अपने हाथ से। मैं जो देखा वो दास्तान तुम्हारा बता रहा हूँ, मैं कुछ कहानियां नहीं सुना रहा हूँ तुम्हारा, प्रैक्टिकल जो देखा, समझ गए। मत करो जादू को, बहुत बुरी बात है, इबादत की रस्सी को मजबूत इस्तेमाल, बस इबादत तुम ज्यादा करेंगे, तुम्हारा कोई बुरा बोल रहा तो उसके जबान में कैंसर हो जाता, उसके पेट में कैंसर हो जाता, उसको बड़ी बीमारियां लग जाते, सड़के मरता उन्हें कोई भी बीमारियां लग के, या उसके अलावा तुम और इबादत कर रहे, तुम्हारे पीछे कोई लगा तो उसके पीछे दूसरे दुनिया के जिन्नात बड़ी बड़ी ताकतें लग के उसको तबाह बर्बाद कर देते, मार देते, इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, ठीक है, चलो रोगी।